हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं आज एक आईपीओ आने वाला है विडिया डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड हमें वो एक मौका है धोखा है आईपीओ है ओ है क्या प्राइस है क्या डेट है क्या जीएमपी है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे अप्लाई करना है नहीं करना है उस चीज से रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी वीडियो आप देखा करें लाइक डेफिनेटली कर दीजिए इससे यूट्यूब आगे फॉरवर्ड करता है वीडियोज को ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके तीन वीडियो आज की डेट में आ चुके कि एफ इंडिया ये एक केमिकल स्टॉक एल्काइलामाइंस एज वेल एज यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर में बज है कौन से स्टॉक्स खरीदना चाहिए उससे रिलेटेड यहाँ पर व्यू दिया है तो यहाँ पर जाके आप एक बार इन वीडियो को जाके देख सकते हैं तो अगर हम बात करें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको हमेशा कोई भी स्टॉक चूज करना चाहिए इस बात को याद रखिएगा तो ये जो स्टॉक्स है जो आईपीओ आ रहा है इसका आईपीओ का मार्केट बहुत टाइम से आता जा रहा है आज इस साल भी बहुत सारे आईपीओ आए लास्ट ईयर भी बहुत सारे आईपीओ आए और आने आज इस साल भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं तो आईपीओ हमें लेना चाहिए नई मार्केट की बात करें तो देखिये मार्केट का जो सेंटीमेंटल है बिल्कुल चेंज हो गया है अगर हम यहाँ पर बात करें और भी आईपीओ तो देखिए कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करें यहाँ पर आठ जब से आया है आठ गिर चुका है कार ट्रेड की बात करें कार ट्रेड भी लगभग लगभग बात करें चौदह पंद्रह परसेंट पर गिर चुका है ओके यहाँ पर बात करें कैंप की ये भी नेगेटिव में ही है दिव्यांग

कुछ ऐसे जैम निकल जाते हैं जहां पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्या ये वो जैम है यानी विजय डायग्नोस्टिक सेंटर उससे रिलेटेड हम बात करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं विजय डायग्नोस्टिक है क्या तो 1981 में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया

लॉजी टेस्ट यहां पर इनके पर्टिकुलर ये टेस्ट होते हुए नजर आते हैं कंपनी आल्सो ऑफर ए

Uh, और इसके अलावा द द रेस्ट ऑफ तेलंगाना मतलब बात करें uh, दूसरा यहाँ पर स्टेट से तेलंगाना से आता है और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश से तो ज्यादा अगर बात करें तो 96 परसेंट तो केवल हैदराबाद से ही आ रहा है बाकी थोड़ा बहुत ना के बराबर यहाँ पर दूसरी स्टेट से आता हुआ दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मार्च मतलब ऑब्वियसली uh, बात है यहाँ पर मार्च में जब पीरियड आया था तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने अच्छा खासा काम किया होगा क्योंकि कोविड के केसेस यहाँ बढ़ रहे हैं वो इसी चीज के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है और ये बता रखा है कि इक्कीस मार्च ऑल द दिजय It is hold national uh, accreditation, uh, national accreditation board of four testing and आ, को, आ, यहाँ पर कैलिब्रेशन वैसे तो यहाँ पर इस चीज के बारे में दे रखा है कुछ खास नहीं है अगर बात करते हैं पर की। तो और बात है, यहाँ पर, आ, जब यहाँ पर कोविड केसेज आ रहे हैं तो उस टाइम तो ये इनको परफॉर्म करना ही है तो सदर्न इंडिया की यहाँ पर सबसे बड़ी चेंज है चेन है ये डायग्नोस्टिक सेंटर की एज वेल एज अफोर्डेबल वन सोल्यूशन स्टॉप सोल्यूशन डायग्नोस्टिक सर्विस यहाँ पर सारे के सारे इनके हो जाते

तो कोविड भी नहीं था इस दौरान भी कंपनी ने परफॉर्म किया और जब कोविड था तब तो परफॉर्म किया ही गया इसके अलावा अगर बात करें ये क्यों ला रहे हैं यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले तो ये आईपीओ है ही नहीं ये है ओएफएस तो अगर बात करें ओएफएस बीच में भी एक पर्टिकुलर कंपनी ने क्या कहते सारा का सारा ओ एफ एस लाया था कार आई थिंक तो सारा का सारा ओ था तो यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आया टू मेक एन ओ एफ एस ऑफर फॉर सेल ऑफ मतलब इतने पैंतीस करोड़ करोड़ छप्पन लाख अट्ठासी हजार चौसठ शेयर यहां पर ऑफिस uh, के थ्रू आएंगे अचीव द बेनिफिट ऑफ द शेयर लिस्टिंग बस ये तो यहाँ पर ये जो एक चीज है ना ये जो एक लाइन है ये सबसे बेकार लाइन होती है इस बात को याद रखिएगा अचीविंग द बेनिफिट ऑफ शेयर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका योर ऑब्जेक्टिव शुड बी सम लाइक होना चाहिए दिखाना चाहिए कि कुछ ऐसा करके दिखाएंगे ओके okay, ताकि कस्टमर्स भी यहाँ पर एग्रेसिवली हुए दिखाई दे यहाँ पर ये लाइन ही बेकार है दोनों ही लाइन पर एकदम बकवास लाइन है एक तो सबसे पहले ओवर पैसे कोई फ्रेश इशू नहीं है दूसरी यहाँ पर प्रोमोट प्रोमोटर्स यहाँ पर सारे के सारे अपने शेयर बेच रहे हैं फायदा उठाना चाहते हैं मार्केट का ताकि वो यहाँ से अपने शेयर का ज्यादा पैसे में ले सके क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जो इनकी फेस वैल्यू है केवल एक रुपए की फेस वैल्यू है मतलब फेस वैल्यू भी कम है और यहाँ पर आईपीओ की बात करें तो 522 से 531 का यहाँ पर शेयर प्राइस ये होगा तो 531 ही मान के चलिए यहाँ पर तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बहुत महंगे वैल्यू पे मतलब 63 के पी पे यहाँ पर ये स्टॉक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है अट्ठाईस का यहाँ पर एक लॉट होता हुआ दिखाई देगा अट्ठाईस शेयर्स का एक सितंबर को आएगा सितंबर को यहाँ पर बंद हो जाएगा मतलब एक से तीन के बीच में यहाँ पर आप ले सकते हैं अठारह हजार पिचनवे करोड़ रुपए का तो यहाँ पर अगर बात करें एम्प्लॉज के लिए फिफ्टी टू रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया है इन्होंने इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स और देखे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये शेयर मतलब एक तारीख को आता हुआ दिखाई देगा आईपीओ तीन को क्लोज होगा बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट आठ तारीख को यहाँ पर अलॉटमेंट है तो अगर बात करें जो शेयर मिले होंगे तो तेरह को क्रेडिट होंगे 14 को होगा, और क्या हो वो भी डिपेंड करता है अगर देखिए यहाँ पर एक लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करना होगा जो की चौदह रुपए का और मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर तेरह का यहाँ पर लॉट अप्लाई तेरह लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें तीन शेयर आएंगे एक लाख 288 अगर बात करें इसमें कितना साइज होगा तो मोस्टली जो कंपनी प्रॉफिट में होती है एक दो साल से तो उनका जो शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो आ, रखा जाता है तो वो 35% रखा जाता है मोस्टली 35 ही होगा तो अगर हम बात करें मेरा व्यू क्या है तो देखिए दो चीज एक तो मार्केट का जो सेंटीमेंटल है बहुत बेकार है आईपीओ को लेकर खासकर अच्छे अच्छे आईपीओ आए अच्छी अच्छी उनकी जो जीएमपी थे वो गिरते हुए नजर आए और जीएमपी अगर गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो अब इसी बात है हमें वहां से एग्जिट कर देना चाहिए वहां पर अप्लाई नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई मार्केट का सेंटिमेंटल अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए अच्छा नहीं है थोड़ा बहुत यहाँ पर शेयर चल रहे हैं इतना अभी भी तक नहीं भाग रहा है तो दूसरी बात ये हो गई यहाँ पर बिल्कुल नहीं यहाँ पर अप्लाई करना है तीसरी बात होगी सारा का सारा ओ है कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कुछ खास नहीं है

करें अच्छे आईपीओ की तो मार्केट में डायग्नोस्टिक्स के बहुत सारे है, हो गया, बात भी हमने होता हुआ देखा है तो यहां पर सीधा ओवे, ओवे है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पर प्रोमोटर्स केवल फायदा उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना होता मैं अप्लाई नहीं करूंगा और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगा कि अप्लाई ना करें पैंतीस चालीसौ रुपए का यहां पर जीएमपी है ओके अभी की डेट में ये चल रहा है मार्केट की रेट में क्या होता है आगे के टाइम में पता नहीं चलता अगर यहाँ पर जीएम पी इसका बढ़ता हुआ नजर आएगा ओके कुछ अच्छा खासा जीएम पी होगा लगभग हंड्रेड रुपीज या हंड्रेड से प्लस यहाँ पर जीएमपी होगा तीस से चालीस परसेंट का जीएमपी अगर बढ़ेगा मार्केट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देगा एक तारीख दो तारीख के आसपास उस टाइम हम यहाँ पर सोचेंगे उस टाइम अगेन यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं अदरवाइज यहाँ पर अप्लाई अभी फॉर मी यहाँ पर अप्लाई नहीं करना फोर् और यहाँ पर कृष्णा डायग्नोस्टिक यहाँ पर आया था

बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आपको लेना है बाद में लीजिएगा अभी ओ एफ एस के चक्कर में आईपीओ के चक्कर में मत फसी है तो यही आपको बताना था कुछ खास यहाँ पर आईपीओ लग भी नहीं रहा है और अभी कोविड के केसेस है इसलिए यहाँ पर शायद ज्यादा यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह होता हुआ नजर आ रहा है एक बार कोविड के केस यहाँ पर चले गए ओके जो कि चले ही जाएंगे तो यहाँ पर देखते फिर इसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करे इस वीडियो को लाइक करे दूसरी वीडियोज को जाके देखिए उन्हें लाइक करे और कमेंट्स करे कोई क्वेश्चन है तो ताकि इस तरीके की आपको रिप्लाई दिया so thank you so much god bless